आज हम बनाएंगे जौ का सत्तू। गर्मियों में जौ का सत्तू पीने से हमारे शरीर को काफी ठंडक मिलती है, क्योंकि जौ की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। जौ से बनी हुई चीजों को खाने से हमें काफी लाभ मिलता है, जैसे गठिया दर्द, अस्थमा, त्वचा समस्या और हृदय समस्याओं को दूर करने में काफी लाभ मिलता है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं रिया और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रिया फूड बास्केट में। तो आइए देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं जौ का सत्तू। जौ का सत्तू बनाने के लिए पहले हमें जौ का आटा बनाना होगा। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पाव जौ लिए हैं और इन्हें अच्छे से साफ कर लेंगे। पहले इसके अंदर कोई मिट्टी या कोई किंकड़ी ना हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर खुले जौ खरीदे थे मार्केट से। अगर आप पैकेट बंद ले रहे हैं तो हो सकता है कि वो साफ हो। ये देखिए, इस तरीके की कोई लकड़ी है या इस तरीके की, जैसे जौ में इस तरीके के जो बाल निकले हुए होते हैं इनको भी हम अलग कर देंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर सारे जौ साफ कर लिए हैं और इन्हें अब अच्छे से हम धोएंगे पानी में। देखिए, मैंने यहाँ पे एक बाउल में डाल दिए हैं सारे जौ और इसमें पानी डाल देंगे और कम से कम हमें 3 बार अच्छे से ये पानी में साफ करने हैं। देखिए, ऊपर जो भी जौ आएंगे पानी में, देखिए खोखले जौ होंगे, इन्हें हम निकाल देंगे। देखिए, मैंने कम से कम 3 बार इन्हें अच्छे से साफ किया है और अब इन जौ को हम सुखा लेंगे। चाहे तो हम धूप में भी सुखा सकते हैं या फिर हम ऐसे ही इन्हें किसी कपड़े पर फैलाकर फैन के नीचे रख सकते हैं। ये देखिए, अब इन्हें हम धूप में रख देते हैं सुखाने के लिए। ये देखिए, सूख चुके हैं ये जौ। अब हम एक ग्राइंडर जार ले लेते हैं और उसमें हमें हल्का सा इन्हें पीसना है, यानी कि पाउडर नहीं बनाना है हमें, बिल्कुल पीसना नहीं है, सिर्फ हल्का सा हमें ग्राइंडर को चलाना है ऐसे इन्हें डाल के। देखिए, और हम गैस पे रख देते हैं कढ़ाई गर्म होने के लिए। ये देखिए, अब हमने यहाँ पर कढ़ाई में डाल दिया है और हमने इनको भी फटका नहीं है, पहले इनको हल्का सा भून लेते हैं फिर इनको फटक देंगे। ये देखिए, आप काफी इसमें ऊपर की तरफ काफी जो इसके टूर होते हैं वो काफी साइड में आ गए हैं। ये देखिए, मैंने इनको फटक लिया था। ये देखिए कितने साफ हो चुके हैं जो, ये और ये भुन भी गए हैं ये जो। हमें बहुत ज्यादा जौ को नहीं भूनना है, हमें सिर्फ इतना ही भूनना है। ये देखिए इनका कलर, इससे ज्यादा जौ हमें नहीं भूनने हैं, नहीं तो इनमें कड़वापन आ जाएगा। और इन्हें अब हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए, ठंडा हो चुके हैं, अब इन्हें हम पीस लेंगे। अब हमें इनका आटा बनाना है। ये देखिए, अब हमें जो बचे हुए जौ हैं उन्हें भी इस तरीके से पीस लेंगे। ये देखिए, सारे जौ को मैंने पीस लिए हैं और फ्रेंड्स अब इसको छान लेंगे हम। मैंने यहाँ पर ये आटा छानने वाली छन्नी ली है। और फ्रेंड्स, अगर आटा गर्म है तो आप इस तरीके की प्लास्टिक के तार वाली छन्नी ना लें, नहीं तो ये जो तार होते हैं वो पिघल जाएंगे। आटा जब ठंडा हो तभी इसी तरीके की छन्नी लें, नहीं तो स्टील वाली छन्नी लें फिर, और इसको छान लेंगे। ये देखिए, आटा मेरा ये थाल में आ चुका है निकल के, और ये जो ऊपर है इसकी हम खीर भी बना सकते हैं और इसकी खिचड़ी भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे हमें फेंकना नहीं है, इसकी हम खिचड़ी बनाएंगे। ये देखिए, इसी तरीके से सारे आटे को छान लेंगे हम। ये देखिए, इसका कलर इस तरीके का हो गया। ये देखिए, मैंने यहाँ पर सारा आटा छान लिया है और इसको हम उठा के रख लेंगे। इसमें वैसे जो ये इसमें तूर वगैरह है इन्हें हम फटक के अलग कर देंगे इस तरीके से। इसको उठा के रख देंगे हम, जब हमें खिचड़ी बनानी होगी तब इसकी खिचड़ी बना लेंगे। और अब हम बनाते हैं जौ का सत्तू। मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है और बाउल में कम से कम 2.5 चम्मच, में 1 गिलास बना रही हूँ यहाँ पर जौ का सत्तू, उसके लिए मैंने 2.5 चम्मच यहाँ पर ये सत्तू का आटा लिया है। देखिए, इसे हल्का सा पानी डाल के इस तरीके का एक घोल बना लेंगे, क्योंकि एकदम हम पानी में डालेंगे इसको तो उसमें गुठलियां सी पड़ जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा पहले हल्का पानी डालकर इसको चलाएं। और जितना अब आपको सत्तू बनाना है उतना आप पानी डाल दीजिए इसमें। मुझे 1 गिलास बनाया है तो मैं 1 गिलास के हिसाब से डाला है। और इसमें आधा नींबू का रस डाला है मैंने और हल्का सा मैंने इसमें डाला है ये नमक, ये काला नमक डाला था मैंने,
और यहाँ पर डाली है मैंने इसमें 1.5 चम्मच के आसपास मैंने डाली है पिसी हुई चीनी। ये देखिए यहाँ पर आइस क्यूब डाल देंगे ग्लास में और इसमें आप डालेंगे सत्तू। और फ्रेंड्स ये एक पारंपरिक तरीका है, इसी तरीके से सत्तू बनाया जाता है। और अगर आप चाहते हैं तो इसमें और जो आपको लगता है आप इसमें पुदीना भी मिक्स कर सकते हैं, वो आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। लेकिन जो तरीका होता है इसको बनाने का वो यही है, इसी तरीके से हम जौ का सत्तू बनाते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।